हेलो, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ग्लो विद नेहा। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन सी सीरम के बारे में। तो ये बात सच है कि विटामिन सी सीरम बहुत महंगा आता है और काफी ज्यादा महंगा आता है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सस्ते विटामिन सी सीरम नहीं आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको एक ऐसा विटामिन सी सीरम बताऊंगी जो कि सस्ता भी है और उसका इफेक्ट एक महंगे विटामिन सी सीरम से कम नहीं है। सो ये वीडियो उन दोनों लोगों के लिए है जो लोग विटामिन सी सीरम का यूज करना चाहते हैं या जो लोग विटामिन सी सीरम का यूज कर रहे हैं, क्योंकि विटामिन सी सीरम के साथ हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और अगर हमें ये चीजें नहीं पता है तो उसका इफेक्ट मिलने के बजाय हमें उसका साइड इफेक्ट झेलना पड़ सकता है, यानी कि हमारी स्किन और भी ज्यादा खराब हो सकती है, पिगमेंटेड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है हमारी स्किन के साथ, क्योंकि विटामिन सी सीरम जो होता है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके साथ हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन से विटामिन सी सीरम के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ खादी ब्रांड के इस विटामिन सी सीरम के बारे में। तो खादी के नाम पे आपको बहुत सारी कंपनियां मार्केट में मिल जाएंगी, बट उनका प्रोडक्ट जो होता है वो 100% नेचुरल नहीं होता है। बट जब भी खादी का आप ओरिजिनल प्रोडक्ट लेना चाहती हैं तो ये मेक श्योर करें कि खादी के नीचे यहाँ पे ग्लोबल जरूर लिखा हो। सो वही प्रोडक्ट आप खरीदे खादी का जिसके नीचे ग्लोबल लिखा होगा तो वो 100% नेचुरल रहेगा। तो इसका जो क्वांटिटी है ये 30 ml का है और इसकी जो बॉटल है ये शीशे की बॉटल है और यहाँ पे एक पंप है जिससे कि आप प्रेस करके एक ड्रॉप गिरा सकते हैं। और उसके बाद इसका जो प्राइस है 30 ml का जो आप लेंगे उसका प्राइस है 545 rupees में। वैसे तो ये बहुत महंगा आता है, इसका जो MRP है वो 1545 rupees है, लेकिन Amazon पे इस टाइम सेल चल रही है तो आप वहां से ले सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप चाहे तो वहां से ले सकते हैं। तो ये आपको 545 rupees में मिल जाएगी और 545 में एक अच्छा विटामिन सी सीरम मिल जाना बहुत बड़ी बात। इसका बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा विटामिन ई का ऑयल मिला के अगर लगाते हैं तो आपको और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ये आपको पिगमेंटेशन और रिंकल्स से छुटकारा दिलाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो इसे यूज करने के लिए चाहे तो आप यहाँ पे एक एक ड्रॉप गिरा लीजिए, उसके बाद टैप टैप करके अपने स्किन में एब्जॉर्ब करा लीजिए। और जब आप इसे टैप टैप करेंगे तो ये आपकी स्किन में बहुत आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होने के बाद ये आपको थोड़ा सा स्टिकी सा लगेगा, बट इसका ये गुड साइन है, जब ये स्टिकी सा लगता है तभी आपको एक अच्छा सा रिजल्ट मिल पाएगा। और हाँ, आप इसे मेकअप से पहले भी यूज कर सकते हैं तो इससे आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और आप तो चलिए अब जानते हैं कि इसके साथ हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो देखिए, इस सबसे पहला प्रिकॉशंस ये है कि हमें इसे किस तरीके से स्टोर करके रखना है। तो इसे स्टोर करने के लिए आप इसे डार्क प्लेस में रखिए, किसी कवर्ड वगैरह में इसे पैक करके रखिए, क्योंकि सनलाइट से इतना ज्यादा इस पे प्रभाव पड़ता है कि इसका कलर भी चेंज हो जाता है, साथ के साथ इसका इफेक्ट भी आपको बहुत कम मिलता है। सो ये खराब ना हो इसलिए इसे आपको डार्क प्लेस में रखना है। दूसरी बात, हमें ये ध्यान देना है कि कभी भी किसी भी विटामिन सी सीरम को हमें AHA और DHA वाले इंग्रेडिएंट के प्रोडक्ट के साथ हमें विटामिन सी सीरम को यूज नहीं करना है। आप इसे अल्टरनेट डेज में ट्रांसफर कर सकते हैं, लाइक आज आपने विटामिन सी सीरम यूज किया है तो आज आपको वो फेस वॉश यूज नहीं करना है जिसमें कि AHA और DHA हो, आप उसे कल यूज करिए और कल इसे स्किप कर दीजिए। तीसरा पॉइंट, जब कभी भी आपको एक्ने और पिंपल्स होता है और आप उसको ट्रीट कर रहे होते हैं तब भी आपको इसे यूज नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम उसे ट्रीट कर रहे होते हैं एक्ने पिंपल्स को तो उसमें जो हम मेडिसिन या जो भी चीज लगाते हैं उसमें बेंजोल परऑक्साइड जरूर होता है, तो बेंजोल परऑक्साइड और इसका मिक्सअप आपको हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। सो पहले आप बेंजोल परऑक्साइड को लगाइए, अपने एंकल पिंपल्स को ठीक कर लीजिए, उसके बाद जो उसके मार्क्स बच जा रहे हैं उसको खत्म करने के लिए आप विटामिन सी सीरम का यूज करिए। और विटामिन सी सीरम पिंपल्स के मार्क्स को, यानी कि दाग धब्बों को जो भी पिंपल्स की वजह से हो जाते हैं, उनको रिमूव करने में बड़ा ही अच्छे से काम करता है। सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी ये वाला विटामिन सी सीरम, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है और बहुत ही अच्छा विटामिन सी सीरम है।
अगर आप अपनी स्किन को लाइट एंड ब्राइटन एंड ग्लॉसी एंड ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, स्पॉटलेस बनाना चाहते हैं, रिंकल्स फ्री बनाना चाहते हैं, तो इस विटामिन सी की सीरम को जरूर परचेज करिएगा, इसे ट्राई करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया हो, कुछ चीजें आप जानना चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। तो चलिए, वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।